सब लोग बोल रहे हैं वो देखो कैमरा कैमरा। अरे यार अभी पुलिस भी आ रहा है। अरे बाप रे। हुआ है सिंगल ओनर बाइक है ये बाइक का। हम लोग आस्किंग प्राइस ये गाड़ी इंडिया में 2 या 3 पीस है। सो गाइस जरा ये वाला व्यूज को चेक करो यार आप लोग। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग मैं नहीं कहूँगा अभी क्योंकि अभी शाम है। सो गुड इवनिंग गाइस। अब कल भी मैं गया था जॉय बाइक्स पॉइंट पे और जॉय बाइक्स पॉइंट बंद था तो आज फिर से जा रहा हूँ। कितने प्यारे बच्चे थे यार। सब लोग बोल रहे हैं वो देखो कैमरा कैमरा। वाओ यार सामने जस्ट आसमान का कलर देखो यार, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है अभी। इसी वजह से मुझे शाम को निकलना ज़्यादा पसंद है। हर वक्त आज तक जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ ना, हर टाइम कभी ना कभी बारिश का सामना ज़रूर करना मुझे पड़ा है, लेकिन अभी देखो यार नो बारिश। अच्छा लग रहा है यार, सच में अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। भाई ये वाला लाइफ सबसे मस्त है भाई। अंकल का देखो यार मौज में पूरा सो रहे हैं यार। वाह यार अरे यार पूरा गाड़ी का हालत खराब हो गया है भाई। पता नहीं यार ऐसा एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन यार पूरा गाड़ी का पूरा भाजी वाला हो गया। अभी पुलिस भी आ रहा है। अरे बाप रे बाप। देखो यार जहाँ भी मैं जाऊँ कुछ भी करूँ मुझे हमेशा रिएक्शन मिल ही जाता है। मुझे लगता है कि मैं जॉय बाइक्स पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ। जी हाँ मैं पहुँच चुका हूँ जय भैया के पास। तो चलो अभी अंदर जाते हैं। सो गाइस बहुत दिन बाद मतलब 1 महीने बाद मैं फिर से आ चुका हूँ भाई भैया के पास, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करना चाहता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी, मतलब मैं एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। ऐसा मैंने सोच लिया था कि चैनल बंद कर दूँगा और यूट्यूब नहीं हो रहा है। उस टाइम पे मैं यहाँ पे आने के बाद ही मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिला, जय भैया से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, ठीक है। भैया ने मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ भैया हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं और भैया थैंक यू मतलब ये मोटिवेशन के लिए भैया। मतलब ऐसा हमेशा लगता है कि जय भैया अपना खुद का भैया है, हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं हमेशा। और नहीं अपना भाई है, अपना भाई समझो तभी अच्छा लगेगा हमको भी। जय भैया इस महीने का जो स्टॉक है वो थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सा बाइक है अभी। अभी तो पूरा स्टॉक भर्ती है, ऑल सेगमेंट का पूरा स्टॉक ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। कुछ प्रीमियम स्टॉक्स है जो आज हम लोग कवर करना चाहते हैं, जो मोस्ट प्रीमियम बाइक्स है इसमें।
ये है डुकाटी की V4। ये गाड़ी कुछ खास है इस कारण, पहले तो ये वेस्ट बंगाल रजिस्टर्ड है, सेकेंड सिर्फ 196 किलोमीटर चला हुआ है, 196 किलोमीटर चला हुआ है ओके। और गाड़ी में करीबन 1 लाख की एक्सरीज है। आपको लगेगा 1 लाख की एक्सरीज कहाँ है, ये कार्बन फाइबर की डुकाटी की जो OEM पार्ट्स होता है टैंक कवर, ये आता है 60,000 की। रिजोमा की जो लीवर है वो आता है 32,000 की, 32,000। सामने फॉक पॉइंटर आता है रिजोमा का, वो है 18,000 की। और डुकाटी की टैंक पर आता है 5-6,000 की। ये सब मिला के आपको 1 लाख के ऊपर का ही एक्सरीज दिखेगा। ये 2019 की बाइक है, 18 मैनुफेक्चर 19 रजिस्टर्ड सिंगल ओनर बाइक है, 31 लाख की आता है। मेरे पास जो प्राइस है वो ऑन रिक्वेस्ट है, जो सीरियस बायर आएंगे ऑन रिक्वेस्ट बात करेंगे उनके लिए ये प्राइस ओपन होगा। नेक्स्ट है BMW की S1000 RR प्रो एडिशन, ये 2015 मैनुफेक्चर 16 रजिस्टर्ड बाइक है, रेड एंड वाइट कलर की बाइक है, ये लिमिटेड एडिशन कलर है। गाड़ी में करीबन 3.5 लाख की एक्सरसाइज डाला हुआ है, फुल सिस्टम एक्लोविज एग्जॉस्ट है, MRI का विंडस्क्रीन है, टैंक पैड, स्ट्रॉन्ग ग्रिप, स्लाइडर्स लगा हुआ है गाड़ी में, और गाड़ी में कार्बन फाइबर चेन कवर लगा हुआ है। कार्बन फाइबर डिप दो पार्ट है, ये पार्ट और ये रेयर हजर, दो कार्बन फाइबर डिप्ट है। 13,000 किलोमीटर चला हुआ है, सिंगल ओनर बाइक है। ये बाइक का हम लोग आस्किंग प्राइस है 14.5 लाख। BMW HC4, ये बाइक एक लेजेंडरी बाइक है। BMW ने 2014 में लॉन्च किया था और 15 के बाद से इसको रोड लीगल नहीं बनाया गया, इसको ट्रैक लीगल कर दिया। ये पूरा ट्रैक स्पेक बाइक है। BMW की जितना इंजीनियरिंग है सब कुछ इसमें डाला हुआ है। BMW फर्स्ट टाइम इसको जब लाया था इलेक्ट्रॉनिक शॉकर इसमें ही प्रोड्यूस किया था। ये टोटल वर्ल्ड में 5,000 पीस है, ये 4,665 नंबर पीस है जो हैंडल बार में मेंशन किया गया है। ये उस टाइम में 48 लाख ही आता था, अभी तो उसके बाद ये गाड़ी 1 करोड़ के ऊपर में चल गया है प्राइस। ये गाड़ी इंडिया में 2 या 3 पीस है और यूज में सिर्फ एक ही पीस आपको सारा इंडिया में मिलेगा। अभी ये प्राइस भी इसका भी मैं ऑन रिक्वेस्ट ही रखा हूँ, जो सीरियस बायर आएंगे ऑन रिक्वेस्ट उनके लिए प्राइस ओपन होगा। मतलब ये कोई नॉर्मल S1000 RR नहीं है, S1000 RR है ही नहीं, है ही नहीं। HP4 है, ये HP4 है। हाँ, ये टॉप ऑफ द लाइन बाइक है BMW की अभी तक। बहुत लोग बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं BMW S1000 RR और HP4 में, लेकिन दोनों अलग बाइक है, दोनों अलग बाइक है। दोनों का इंजन, चेसी और शॉकर, हाइट, सब चीज़ में अलग है। इसका सिर्फ एक लुक वाइज थोड़ा S1000 के मिलता है, बाकी इसका गाड़ी कम्प्लीटली S1000 से अलग है। ये है होंडा की CBR फायरब्लेड RRR। अभी जो मार्केट में जितना बाइक है इनलाइन 4 में सबसे प्रीमियम बाइक में ये बाइक माना जाता है, BMW की M1000 RR के बाद सबसे प्रीमियम बाइक ये है। जो आपको अभी इंडिया में कुछ ये भी गाड़ी 3-4 बिका है रेड कलर में, ब्लैक कलर में कुछ 5-6 गाड़ी बिका है। जॉन अब्राहम के पास भी एक ब्लैक कलर की गाड़ी है। अच्छा, इसका प्राइस पहले था अराउंड 40 लाख रुपीस इसका प्राइस था, और इसमें एक्सरीज डाला हुआ है, इसमें OEM होंडा की कोई फिट एंड ऑटोब्ली पर डाला हुआ है, PU की विंडस्क्रीन है, सामने RNG का फॉग प्रोटेक्टर है, पीछे RNG का स्पूल्स है, स्विंग आर्म प्रोटेक्टर है, और कंप्लीट बाइक PPF कोटिंग किया गया है इसके सिरेमिक प्रो से। अराउंड 2 लाख की एक्सरीज है और VVIP नंबर 0001 नंबर की है गाड़ी, कर्नाटक रजिस्टर्ड है, 99 किलोमीटर चला हुआ है। ये गाड़ी ऑलरेडी बुक हो चुका है। अभी तो जॉय बाइक्स पॉइंट से मैं निकल चुका हूँ जय भैया के साथ बात करके, तो अभी फ़िलहाल जाते हैं घर के तरफ। तो आप लोग चलो यार, राइड का मज़ा लो। को बहुत जनों को देखा है कि आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो, तो जल्दी से जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी शायद स्क्रीन के नीचे अभी आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो गाइस। मैं वहाँ पे बहुत सारा रील्स अपलोड करता हूँ, और आज भी शायद यहाँ से जाने के टाइम पे बहुत सारा रील्स मैं बनाऊँगा अभी, जो सारा इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड होगा, तो वो देखने के लिए जल्दी से जल्दी जाओ मुझे फॉलो करो यार। गाइस, आप लोग हमेशा कंप्लेन करते हो कि मेरा हिंदी सही नहीं है, तो देखो यार मुझे पता है मेरा हिंदी सही नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करोगे
तो इतना मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि मेरा हिंदी आगे जाके ठीक हो जाएगा। बस आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे मेरा चैनल बिल्कुल भी नहीं रीच हो पा रहा है, मेरा चैनल बिल्कुल भी नहीं ग्रो कर पा रहा है। तो कम से कम सपोर्ट तो करो भाई। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई तुम बंगला में करो, तुम हिंदी में क्यों कर रहे हो। देखो यार, एक्चुअल में बात ये है कि मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर है जो बेसिकली बंगला नहीं समझता है, जो बेसिकली हिंदी समझता है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं हिंदी में करता हूँ व्लॉग, और वो लोग बोल और उन लोगों में से बहुत सारे लोग बोले कि भैया आप बंगला में मत करो, हम लोगों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मैंने एक ब्लॉग डाला भी था ना, उसमें व्यूज़ आया ज़्यादा ना उसमें लाइक्स आया ज़्यादा, और उसमें से बहुत सारे मेरा व्यूअर था जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था कि भैया आप हिंदी में करो, खुद समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। तो मेरा ब्लॉग यार सबके लिए है यार, जो बंगाली है उन लोगों के लिए भी है, जो हिंदी समझते हैं उन लोगों के लिए भी है, सबके लिए है भाई। और जो बेसिकली बंगाली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार कि मैं डेफिनेटली हिंदी में ही बनाऊँगा यार, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो और बात को प्लीज़ समझो यार। मैं हिंदी अगर गलत भी बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ पा रहे हो, लेकिन अगर मैं बंगाली में बोलूँगा तो मेरा जो व्यूअर है जो बेसिकली हिंदी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे यार, प्लीज़ तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो यार। तो गाइस ज़रा ये वाला व्यूज़ को चेक करो यार, आप लोग कितना खूबसूरत लग रहा है यार। तो हमने सोचा यार यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं भाई। और आप लोगों ने एक चीज़ आज मिस किया है, मतलब आज जिस भाई ने मेरा वीडियो खींच दिया है, जो भाई मेरे साथ आया था वो है ये भाई, अभी देखो फोटोग्राफी कर रहा है, इसका नाम है सुदीप। अब इसके पहले भी देखे हो इसको भाई, ये वाला भाई है ठीक है। इसको भी आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इसका भी इंस्टाग्राम है आईडी, वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो आप लोग उसको भी चेक कर लेना, क्योंकि भाई बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, रील शूट करते हैं, उसका एडिट भी करते हैं, तो आप चेक कर सकते हो उसका अकाउंट। की वजह है 6:30 बजे और हम लोग अभी यहाँ पर रुके हैं, सो थोड़ा टाइम और यहाँ पर रुकते, थोड़ा बहुत रील फील शूट करेंगे यहाँ पर। सो ज़्यादा टाइम तो यहाँ पे नहीं रुक सकते क्योंकि बाइक है यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा जैम भी है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सो सारा रील अपलोड होगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे, मैं फिर से एक बार डिस्क्रिप्शन के नीचे यहाँ पे दे रहा हूँ।